बर्मा में मुसलमान मारेगा, बहुत दर्द, शाम में मुसलमान मारेगा, ओह कलेजा फटा जाए। व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक, इसके अलावा कुछ नहीं। शाम में मुसलमान मारे गए, व्हाट्सएप बहुत कम हो रहा, और थोड़ी देर के बाद हंसने हंसाने की इमोजी, चुटकुले वाली चल रही है। फेसबुक पर वो फला जगह मुसलमान मार दिया गया, बड़ा अफसोस, साफ मिल करके इतना सेंड करो, इतना सेंड करो कि हुकूमत फैल जाए, हकीकत, और ऐसे पड़े सो रहे हैं कि जगाने से भी ना हिले। ये हाल है, ये हकीकत है। तो इस हकीकत को समझिए, और हम कहां खो गए इसको समझिए, बिलखुसूस हमारा वो तबका जो फेसबुक और व्हाट्सएप में दुल लगा हुआ, कुछ सोचता ही नहीं। फेसबुक व्हाट्सएप पर हर तरह की हर किस्म की बातें हो रही हैं, और मुसलमानों का गम और दर्द बयान करके फिर टीवी में मस्त, गाने बाजों में मस्त, फिल्मों में मस्त, खेल तमाशा, खुश हो लीजिए साहब, मुझे बड़ा दर्द, वो कितना, इतनी मर्तबा आप जो है भेजिए, आपको ये मिल जाएगा, नहीं भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बस यही दो चार बातें ले दे करके फेसबुक से कहीं कॉपी पेस्ट किया, व्हाट्सएप पर पेस्ट किया, व्हाट्सएप से उठाया, फेसबुक पर पेस्ट किया। अगर कर सकते हो जिस तरह से तुम्हें, अगर वाकई में हकीकत में दिल से तुम्हें शाम और सीरिया और बर्मा के मुसलमानों से अगर तुम्हें मोहब्बत है, तो आओ सब मिलकर कम से कम अपने रिश्तेदारों और मोहल्लों के मुसलमानों से बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक हक तो घर में तो नाक कट जाएगी, नाक अगर पहले बोल देंगे ना किसी से तो नाक कट जाएगी। यार तो जहां मदद नहीं कर सकते हैं वहां तो खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जहां नफ की बात आई तो वहां नाक की बात आ गई, बेशक मैं क्यों मिलूंगा उससे, जी वो उसकी गलती है, वो खुदा है, वाह बेशक। तो समझ लीजिए जिस तरह से